हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल हाई स्टो फ्रिक्स। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो अभी सुबह हो गई है, नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। एंड सॉरी अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो, क्योंकि हमारे साथ वाले घर पे काम चल रहा है तो उनका थोड़ा टक टक ठूं ठूं पी 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 आता रहता है, तो उसके लिए हमें माफ़ी दे दो। और चलो मैं फटाफट से पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर नाश्ता खा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे ही पूछ के हमेशा ये जो शक्ल उसकी सही नहीं आती है, हमेशा आला चिलचा बनता रहता है, कभी गोली नहीं बनता है। तो यहाँ पे मेरा मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो गया है। मेरा पूछ थोड़ा चिटी चिटी सा है देखिए, और इनके एवी है, कोई नहीं अभी रहने दो। तो यहाँ पे हल्दी नाश्ता मैंने ले लिया है, थोड़ा सा बीन्स आलू की सब्जी साथ में पोच रोटी। ये थोड़ा अनहेल्दी है बट मुझे बहुत पसंद है। और फाइनली पापा आज लेकर आ गए हैं हमारे लिए दशहरी आम। भाई खाने के बाद आम हो जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। मेरी और मेरे पापा की चाय तैयार हो गई है। ये छोटू वाली पापा की है, ये वाली मेरी है। और जो पत्ती बची है इसको हम लोग संभाल के रख लेंगे, बिकॉज मम्मी इसको अपने जो पौधे हैं उसमें डालेंगी। बहुत सारी चीज़ें डालती हैं, वो कुछ वेस्ट नहीं होने देती। रिकू आ गई सुबह सुबह, सुबह सुबह आ गई रिकू, है रिकू गुड मॉर्निंग हो गई आपकी, हो गई गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा, इतनी सारी मस्ती एक साथ ही, बिकी खाओगे? आप तो पहले ही बैठे हुए ऊपर बिकी खाने के लिए, कुछ हिला हिला के। हेलो जी, अपनी बिकी खा लो। सुन रहे हो नीचे क्या हो रहा है? एक्चुअली पापा नीचे हैं तो उनकी आवाज सुन रही है। रिकू हेलो, चलो। ओ हो शिट, मैं मेरे से ही नीचे गिर गया है और मैं कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती हूँ वो उठाने का। ये दिख रहा अब इसकी लाड ना, तुम ब्रश करो हैं ना, तुम सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलो किसी को, ना प्यार करो ना उनको उठाओ। पहले क्या करता था ये, पहले सीरियसली आके उठाता था लोगों को, मतलब मुझे चाटता था, पप्पी करता था कि उठ जाओ। और अब इतना बेकार हो गया ये, खुद ही सोता रहता है, दूसरों को तो क्या ही उठाएगा ये। हाँ पू पू सारा पू पू ये भी निकाल दे तू। हाँ हाँ जाओ नीचे जाओ। कितना आलसी, कितना आलसी है ये, कितना आलसी है। पापा नीचे आए हैं, यहीं से ऊँ पूँ कर रहा है अपना, नीचे नहीं जाना चाह रहा। चल चला नीचे चल। मैं तो नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ी ना जाऊँ, मैं नहीं जा रही हूँ, आपको जाना है। हद है, अंदर नीचे जाना था हमें। चल खोता कहीं का, मैंने कहा था नीचे जाना है, ऊपर बिस्तर पे आने को नहीं बोला था मैंने। कर ले तू लड़ाई, कर ले जा जा कर बाय। अरे मैंने कहा था, अरे मैंने कहा था नीचे जाने के लिए। बस जुबान लड़ा लो तुम हैं, और कुछ आता नहीं है। सो मैंने अपना दोपहर का खाना बना लिया है, और उसी को बनाते बनाते ना मैं सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी मम्मी से ना बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। यार मम्मी आप हर टाइम ये खाना बनाते रहते हो, इसमें ये कम है, इसमें वो है, ये फलाना ढंगा ना, बहुत कुछ सीरियसली। पर उसके पीछे वो कितनी मेहनत करती हैं यार, वो एक खाना बनाने में सीरियसली वो अब पता चलता है। क्योंकि जब आप खुद खाना बनाते हो ना तब आपको पता चलता है कि आप कितनी मेहनत से खाना बनाते हो, और उसके बाद उसमें कुछ भी हल्का सा भी कुछ आ जाए ना और सामने वाला कह दे यार इसमें ये चीज़ कमी है, बड़ा ही बुरा लगता है। तो इसीलिए अपनी मम्मी के खाने को भाई अप्रिशिएट करो, ठीक है। जो भी यार मम्मी तो ऑब्वियस है, ठीक है, सबसे पहले हमें मम्मी ही खाना बना के देती है, लेकिन कोई भी है जो आपके लिए खाना बना रहा है प्लीज़ अप्रिशिएट करना तो बनता है। सो भी बन रही है मेरी शाम की चाय, और बाहर का मौसम बहुत है बढ़िया, और मम्मी लाई है समोसे, तभी हम लोग चाय के साथ खाएंगे समोसे। सो मैं अपनी चाय और अपने समोसे खाकर आ गई हूँ ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने ना दो दिन पहले एक प्रोडक्ट मंगाया था, ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया था। सो ये है वो आई शेडो पैलेट,
ठीक है, वैसे मुझे बिल्कुल भी मेकअप आता तो नहीं है, लेकिन तो भी मैंने मंगा लिया एक ही बारी में ये सारे के सारे जितने भी आई शेडोज होते हैं। फिर मैं सोच रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ कौन सा लूँ, लेकिन फिर सोचा कि जिसमें सारे के सारे हों और मुझे बार बार अलग अलग परचेज ना करने पड़े। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स में था इसका जो कवर था, और ये है मेन पैलेट। कहाँ से खुलता है ये भगवान, ये ठीक है। ये सामने इसका मिरर है, और ये छोटी छोटी दो ब्रशेस हैं, और ये सारे के सारे आई शेडोज हैं इसमें। और एक्चुअली ना मम्मी अपने लिए बहुत सारी कुर्तीज लाई थी, ठीक है, और उसमें से मेरे लिए एक कुर्ती थी और तीन टी शर्ट्स थी। पर जब मम्मी ने ट्राई किया, अब टोटल 6 कुर्ती लाई थी जिसमें एक मेरी थी और बाकी जो 5 थी वो मम्मी के लिए थी। लेकिन जब मम्मी ने ट्राई की तो उसमें से 3 मेरी निकली और 2 उनकी, तो वो सारी की सारी मेरी है। तो टी शर्ट जो थी वो ये 3 टी शर्ट्स थी, ये रात को पहनने के लिए, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा स्टफ है इनका। और जो कुर्ती थी तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ना ये वाली थी मेरी। अभी लाइटिंग में इसका कलर कुछ और आ रहा है, वैसे इसका कलर पिंक है, तभी ऑरेंज सा दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, पर ये पिंक है, ठीक है। तो मेरे लिए सिर्फ ये थी, और बाकी की जो ये वाली और ये वाली, ये मम्मी की थी, तब उनके लिए नहीं है, अब ये मेरे लिए है। कभी कभी आपको फ्री में चीज़ें मिल जाती हैं ना। तो अब मेरे पास बड़े सारे सामान है, ये भी मिल गया मुझे, टी शर्ट्स भी आ गई, कुर्तीज़ भी आ गई। अब देखते हैं इनको कब ट्राई करते हैं, और फिर इसका भी थोड़ा यूज़ हो जाएगा इनके साथ में, अगर करना आता होगा मुझे थोड़ा बहुत। मैं देख तो रही हूँ आजकल वीडियोस, कुछ थोड़ा बहुत सीखा तो ज़रूर करूँगी। एक्चुअली मैं अपने रिकी को खाना खिला रही थी, मुझे पता नहीं था कि रिकी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मुझे पापा ने बताया था आज दोपहर को कि आप जा रहे हो 2 दिन से अपने रूम में, लेकिन खाना तो छोड़ के जा रही थी मैं, पर रिकी खा नहीं रहा था, तो इसीलिए आज मैंने इसको अपने हाथों से खिलाया खाना। और इसको बहुत ज़्यादा ना बुरी आदत लग चुकी है, और शायद ये मैं आदत मैंने डाली तो एक गलत है ये, जब तक तो इसको हाथों से पकड़ के खाना ना खिलाओ तो ये खाता नहीं है। तो मैं भी खाना वाना खा के अपने रूम में आ गई हूँ, रिकी को भी खाना खिला दिया है, और अब चलते हैं। आपको अब कल मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मत भूलना मेरे चैनल हाइस्ट ऑफ फ्रीक्स को। अब हम आपको मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड भारत माता की जय।